आइए जानते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के जीवन की कुछ अनसुनी बातें। भगवान राम को मानव रूप में पूजे जाने वाले सबसे पुराने देवता के रूप में जाना जाता है। महाभारत में वर्णित है कि एक बार भगवान शिव ने कहा था कि राम का नाम 3 बार उच्चारण करने से 1000 देवताओं के नामों का उच्चारण करने के बराबर फल की प्राप्ति होती है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि भगवान शिव भी ध्यान अवस्था में भगवान राम के नाम का ही उच्चारण करते हैं। त्रेता युग की समाप्ति आज से 12,96,000 साल पहले हो चुकी है। त्रेता युग में भगवान विष्णु ने भगवान राम के अलावा वामन और परशुराम के रूप में भी अवतार लिया था। भगवान राम का जन्म इक्ष्वाकु वंश में हुआ था, जिसकी स्थापना भगवान सूर्य के पुत्र राजा इक्ष्वाकु ने की थी। इसी कारण भगवान राम को सूर्यवंशी भी कहा जाता है। भगवान राम ने 11,000 वर्षों तक अयोध्या राज्य पर शासन किया था। इस स्वर्णिम काल को राम राज्य के रूप में जाना जाता है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही रोचक तथ्यों के बारे में जानने के लिए जिज्ञासा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।